राष्ट्रीय टीबी रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिले में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके तहत कर्मचारियों ने मीट मार्केट में जाकर व्यापारियों के सैंपल लिए तथा टीबी केस की स्क्रीनिंग की गई। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर एनएसटोलिया ने बताया कि टीबी के एक्टिव केस खोजने के लिए विभिन्न स्थानों में जाकर सैंपलिंग की जा रही है। विभिन्न स्कूलों तथा खड़िया खनन क्षेत्रों में जाकर स्कूली बच्चों, फल व्यापारियों तथा मजदूरों की जांच की जाने की भी योजना है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिले में 308 टीबी मरीजों का उपचार किया जा रहा है। गत वर्ष 93% मरीज इलाज के उपरांत स्वस्थ हुए हैं। भ्रमण में उनके साथ अमित तिवारी, मनोज पाठक, सतीश कांडपाल आदि मौजूद थे। पूरे जनपद में हमारे जनवरी से माह से पूरा एक जन आंदोलन यानी कि जन जागरूकता कार्यक्रम टीबी 2021 का चल रहा है, जिसमें हर महीने अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग एक्टिविटीज होती है। इसी के तहत आज हम लोगों ने नगर पालिका परिषद के मीट मार्केट क्षेत्र में हमने वहाँ पर जितने भी जो बूचड़ का काम करते हैं उन लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण और स्क्रीनिंग का काम, टीबी से रिलेटेड स्क्रीनिंग का काम किया, जिसमें अभी हमें सभी हेल्दी पाए गए। अगर उनमें लगता कि दो हफ्ते से ज़्यादा खांसी और टीबी के जो भी सिम्टम्स और साइंस होते तो जो हम उसके जो है स्पोटम की जांच कराते, तत्पश्चात ही उसकी जाँचों उपरांत हमें अगर लगता कि टीबी के पॉजिटिव केस हैं तो उसका जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट चलाते हैं। इसके अलावा हमने इससे पहले भी जो इस महीने जो हमारे कार्यक्रम किए हैं, हम लोगों ने स्कूलों में जवाहर नवोदय स्कूलों में जाकर बच्चों के समस्त बच्चे और स्टाफों की स्क्रीनिंग की और वहाँ पर हमने कुछ लोगों की जांचें भी की, जिसमें सारे नेगेटिव आए। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी जो हमारा विद्यालय है कपूर क्षेत्र में, वहाँ पर भी हम लोग ने इसके तहत जागरूकता कार्यक्रम कराए। इसके अलावा भी हम लोग विभिन्न जो हमारे ब्लॉक्स हैं उन क्षेत्रों में हमारे STLS और LT जो है अलग अलग क्षेत्रों में जाकर विभिन्न जगह लोगों का स्क्रीनिंग करते हुए कुछ लोगों के परीक्षण कराए, जिसमें अभी हमें एक पॉजिटिव जो मिला हमें। इसके अलावा भी हमारे जो टीबी की जांचें जो इस ज़िले में अभी कराई जा रही है, जिसमें हमारा सबसे पहले तो माइक्रोस्कोपी जांच कराई जाती है, जिसमें हम एट द स्पॉट और दूसरे जो बलगम की जांच लेते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप के जरिए जो है स्टेनिंग कर उसको जो है टीबी के विषाणु को या जो बैक्टीरिया जो है उसको हम लोग पहचान करते हैं। इसके अलावा भी हमारे जो है CBNAT जो है एक मशीन है जिसमें भी हम उस पर टीबी की जांचें करते हैं। इसके अलावा भी हमारे जो अभी TRUNAT जो टीबी से रिलेटेड उसके में भी हम लोग जांच करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो TRUNAT जो हमने अभी लगभग 2-3 महीने पहले से जांचें शुरू करी, जिसमें हमने 56 जांचें कराई और जिसमें हमें जो है 8 जो है हमारे टीबी पॉजिटिव केस मिले, जिसका अभी प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट 6 महीने का न्यू टीबी के ट्रीटमेंट के तहत उसकी जांचें और ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके अलावा भी हमारे अभी अगर मैं MDR की बात करूं तो जिसमें हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं, जो बार बार टीबी की दवा खाते हैं और छोड़ देते हैं तो इसके उस पर जो है एक रेजिस्टेंट वो डेवलप हो जाता है, जिसको हम MDR कहते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जिसपे हमें अभी इस ज़िले में हमारे लगभग जो है 13 जो है केस हमारे अभी चल रहे हैं, जिसमें 7 जो हैं शॉर्टर रेजिमेंट जिनका जो है 6 से लेकर 8 महीने का कोर्स कराया जाता है ट्रीटमेंट का, और 6 जो है हमारे लॉन्गर रेजिमेंट यानी कि लगभग उनके जो है दो साल उसका ट्रीटमेंट चलता है। और इसके अलावा भी हम लोग टीबी के लिए जो हमारे अब अगले जो आने वाले जो हमारे 10 से 20 अक्टूबर के बीच हम लोग रोड साइड और माइंस और इन क्षेत्रों में जाकर भी हम स्क्रीन का काम शुरू करेंगे, और 21 से लेकर 31 अक्टूबर तक हम लोग जितने भी हमारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं जहाँ पर रोगी जो आते हैं और उन लोगों को भी हम समझाएंगे, और वहाँ पर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जो प्रैक्टिशनर हैं वो लोग टीबी का स्क्रीनिंग कर और उससे जो है टीबी की दवा शुरू कराएंगे। इसके लिए हम लोग उनको कुछ इंसेंटिव भी होते हैं वो भी हम लोग अवेलेबल कराएंगे। अगर वो कोई भी अगर टीबी या प्रैक्टिशनर अगर उसको जो है
टीबी की खोज करता है या टीबी नए केसों की पहचान करता है तो उसको हम लोग 500 रुपये एक टीबी मरीज के हिसाब से और उसका नोटिफिकेशन कराते हुए उसको भी दे दिया जाता है। इसके अलावा भी हमें लोग पोषण जो है जो भी टीबी के मरीज है उसको पोषण जो योजना के तहत उसको 500 रुपये प्रति माह 6 महीने के लिए या 2 साल के जिस हिसाब से टीबी का पहचान होगी उसी हिसाब से उसको प्रतिमा दिया जाता है। सीसीएन न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।